समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान। अखिलेश की तरह से या उनकी तरफ से प्रस्ताव आता है तो करेंगे विचार, ये कहना है शिवपाल यादव का। 2022 विधानसभा चुनावों से या चुनावों में जहां हमें सम्मान मिलेगा हम वहीं का रुख करेंगे, वहीं गठबंधन करेंगे, ये कहना है शिवपाल यादव का, जिनकी अपनी पार्टी है प्रसपा। और अखिलेश यादव के साथ ही मनमुटाव के बाद उन्होंने दरअसल अपनी पार्टी का गठन किया था बड़ी धूमधाम के साथ, लेकिन अब उनका यह मानना है कि 2022 में जो हमें गठबंधन का ऑफर देगा, जिसके साथ हमारी सोच बैठेगी, हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी को लेकर ही उनका यह इशारा समझ आता है और इशारा भी उसी तरफ था। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बोले हैं शिवपाल यादव। क्या कहा है, अखिलेश की तरफ से अगर प्रस्ताव आता है तो फिर विचार करेंगे, यानी कि अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं या फिर गठबंधन कर सकते हैं शिवपाल यादव। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो अच्छे खासे समर्थक या प्रशंसक रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो बाकी मंत्री हैं और फिर जो नीचे अधिकारियों के लेवल पर काम हो रहा है, उस पर लगातार वो सवाल खड़े करते रहे। नदीम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नदीम, शिवपाल यादव ने एक बार फिर से इशारा किया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ विलय या गठबंधन कर सकते हैं, कई बार वो इशारा करते रहते हैं लेकिन बात आगे बढ़ती नहीं है, वजह क्या है? कुलदीप, आपको बता दें कि आज शिवपाल सिंह यादव करल में एक निजी कार्यक्रम में आए थे, जहां पर जब मीडिया से उन्होंने रूबरू हुए तो उन्होंने अपना बयान दिया और एक अपना इच्छा जाहिर की है। उसमें साफ साफ कह दिया है कि अगर अखिलेश यादव मुझे, मतलब अखिलेश यादव बनाम समाजवादी पार्टी मुझे अगर ऑफर देगी या मुझे सम्मान से बुलाएगी तो मैं उसके लिए कोई विचार विमर्श नहीं करूंगा, मैं तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं पार्टी में विलय कर लूंगा, इस तरीके का बयान दिया है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि बयान आप पहले भी दे चुके हैं कि मैं पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, बिना शर्त के शामिल हो जाऊंगा, लेकिन अभी तक ये मैं फॉर्मेलिटी पूरी क्यों नहीं हो पाई है, जिसको लेकर कहने लगे कि उनका कहना था साफ साफ कि अखिलेश यादव की तरफ से ये पहल अगर हो जाएगी तो मैं अभी ज्वाइन कर लूंगा, बशर्ते अखिलेश यादव की तरफ से आदेश होने की देरी है, आदेश होने के बाद ही मैं ज्वाइन कर सकूंगा। और नदीम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अपनी पार्टी बनाने के बाद तो वो लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधते रहे हैं, हालांकि उनकी सरकार में जो अधिकारी या फिर अन्य मंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर वो सवाल खड़ा करते रहे हैं, लेकिन अगर क्या वो गठबंधन करते हैं, विलय करते हैं तो फिर वही प्रशंसा का या समर्थन का रूप उनका रहेगा योगी आदित्यनाथ को लेकर, ये सवाल पूछा गया। कुलदीप, अगर इस टॉपिक पे बात की है तो अगर इस टॉपिक पे बात हुई थी तो उस टॉपिक उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया, लेकिन बोले ये अंदर की बात है, मैं इसके साथ समर्थन करूंगा या इसके साथ रहूंगा तो मैं पूर्ण उसकी सहमति से काम करूंगा, उसके साथ ही काम करूंगा, इसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि समर्थन के मिलने के बाद वो किसके साथ रहेंगे या किसकी बजाएंगे ये कहना भी मुश्किल है कुलदीप जी। और ये भी बताइए कि ये तो इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के, और से कुछ ऐसा इशारा सामने आ रहा है कि वो वाकई तैयार हैं कि 2022 की जंग जो है वो कुनबा मिलकर लड़े? देखिए, अगर कुलदीप इस तरीके की बात करें तो इस तरीके की बात करना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि वो इशारा अखिलेश की तरफ से मिलना अभी कोई संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने आप में अपने निजी स्वार्थ रख रहे हैं, उनका कहना है कि मैं जो करूंगा मैं अपनी दम पे करूंगा और मैं पार्टी को स्टैंड कर रहा हूं, अपनी दम पे कर रहा हूं, तो मुझे फिलहाल किसी की जरूरत नहीं। अगर उनको गुंजाइश लगती होती तो अभी तक उनका शिवपाल यादव तो कई बार ऑफर जा चुका है तो, लेकिन अखिलेश यादव उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर माना जाए कि ऑफर एक्सेप्ट करते तो अभी तक वो शिवपाल यादव की घर वापसी हो गई होती, इससे भी साफ साफ कहना होगा कि अभी अखिलेश यादव को शिवपाल सिंह यादव नहीं पसंद आ रहे हैं, इसीलिए ये गेम एक दूरी बनी हुई है। अच्छा, अपनी पार्टी बनाकर शिवपाल यादव ने जो प्रसपा पार्टी बनाई उसके बाद अपना पूरा कैडर खड़ा किया, पूरा संगठन खड़ा किया, संगठन में पदाधिकारी बनाए, अब इनकी मंशा अगर समाजवादी पार्टी में जाने की है, विलय की है, गठबंधन की है, तो बाकी जो इनका कैडर बनकर तैयार है वो क्या नजरिया रखता है, वो भी समझाएं जरा। देखिए, अगर इनके जो ग्राउंड उन्होंने बनाया है, नई पार्टी का विलय बनाया है, नई पार्टी बनाई है, अगर उसको देखते हुए बात की जाए तो सभी का कार्यकर्ताओं का या जो उनके जो साथ में जो नेता जुड़े हुए हैं उनका भी सबका एक ही मानना है कि अगर पार्टी दोबारा से वापसी कर लेगी तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलेगा मुझको, और शिवपाल यादव जब मजबूत होंगे तो उनके कार्यकर्ता ही मजबूत होंगे, सबका मानना यही है। लेकिन अभी फिलहाल जब कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई भी ऐसा इस तरीके का संकेत नहीं मिल रहा है जिससे कि शिवपाल यादव की इतनी आसानी से वापसी हो सके समाजवादी पार्टी में। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।